नमस्कार दोस्तों, हम सीख रहे हैं 2D एनिमेशन और 2D एनिमेशन में आपको बता रहे थे एनिमेट सीसी के बारे में। तो मैंने पीछे के वीडियो में आपको दिखा रहे थे इस चिड़िया को हमने कैसे ड्रॉ करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा इसके जो पंख और इसके जो पैर होते हैं उसको कैसे ड्रॉ करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने आप देख सकते हैं इतना हमने पीछे की वीडियो में आपको दिखा चुका था। अब हम इसके जो है पंख को क्रिएट करेंगे। तो हम इसके अंदर जाते हैं, हम ऑलरेडी एक पंख को क्रिएट कर चुके हैं। अब इसी को हम क्या करेंगे, देखिए आप डुप्लीकेट बना हुआ है तो हम इसी को छोटा छोटा करते करते हम इसको क्रिएट कर देंगे। हम इसको क्या करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट प्रेस करते हैं और यहाँ से करते हैं डुप्लीकेट। कंट्रोल ऑल्ट प्रेस करके और ड्रैग करते हैं तो ये डुप्लीकेट हो जाता है। उसके बाद क्या करें, कंट्रोल ऑल्ट और एस प्रेस करते हैं तो यहाँ पे परसेंटेज साइन आ जाता है कि आपको कितना छोटा करना है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, 90% कर देता हूँ। 90% किए, देखते हैं यहां से हो गया। उसके बाद फिर से इसको जो है कंट्रोल ऑल्ट और ड्रैग करता हूँ, डुप्लीकेट हो गया। फिर से इसको करूंगा कंट्रोल ऑल्ट एस और इसको करता हूँ 95%। उसके बाद इसको फिर से कंट्रोल अल्ट और ड्रैग करता हूँ, कंट्रोल एस, कंट्रोल अल्ट एस किए और इसको फिर से 95% करता हूँ। यहाँ पे हो गया। फिर से कंट्रोल अल्ट ड्रैग करता हूँ, कंट्रोल अल्ट एस, इसको करता हूँ 90%। तो ये हमारा जो है आप देख सकते हैं इस टाइप से क्रिएट हो गया। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5, तो 5 हमने भी क्रिएट कर लिए है। इस टाइप से हमारा ये क्रिएट हो गया है। अब हमें क्या करना है, जो ये येलो पार्ट है इसको क्रिएट करना है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से न्यू लेयर क्रिएट करते हैं। न्यू लेयर क्रिएट किए और हम क्या करेंगे, एक एक करके क्रिएट करेंगे। पी प्रेस करते हैं, पी प्रेस करने के बाद जो है हम एक किसी को ट्रेस करेंगे और सभी को हम यहाँ पे हम बना देंगे। तो हम इसको पहले क्रिएट करते हैं, इस टाइप से हमने क्रिएट किए। फिर से एक जो है एक बाहर से लेते हैं, क्रिएट हो गया। फिर से पी प्रेस करते हैं, पी प्रेस करते हैं और इसी लेयर पे हम इसको भी क्रिएट कर देते हैं इस टाइप से। और अब क्या करेंगे, इसको हम यहां से डिलीट कर देते हैं और इसमें कलर हम फिल करते हैं, जो सेम कलर ये इसमें कलर और जो ये कलर है डार्क वाला वो इसमें फिल करते हैं और इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर लेते हैं इस टाइप से। ये क्रिएट हो गया है और इसको मैं वी प्रेस करके इसको मैं यहां से डिलीट करता हूं। इसको कितना मैंने इसको डिलीट कर दिए। अब इसको सेलेक्ट करते हैं, F8 प्रेस करके सिंबल में कन्वर्ट करते हैं और इसको मैं क्या करूंगा, डुप्लीकेट करके सभी को हम क्रिएट करेंगे। ये यहाँ पे, ये यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लूंगा और रोटेट कर देता हूँ। इसी टाइप से ये यहाँ पर इसको मैं बढ़ा देता हूँ इस टाइप से। इस टाइप से इसको मैं रखता हूँ यहाँ पर।
हमने इस टाइप से इसको है क्रिएट कर दिया है। और इसको मैं साइड में रखता हूं इस टाइप से। और ये सभी को मैं नीचे करता हूं, कंट्रोल और बैक स्पेस नीचे चला जाएगा। और इस वाले को मैं करता हूं ऊपर, कंट्रोल अप। और इस वाले को भी मैं कंट्रोल अप कर देता हूं इस टाइप से। आप देख सकते हैं इस टाइप से हमारा जो है ये क्रिएट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक अलग से लेयर का जो है येलो कलर का जो लेयर है उसको हम क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ से अलग लेयर बनाते हैं, टी प्रेस करते हैं, यहां से एक लेयर को क्रिएट करते हैं। इस टाइप से हो गया, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। और इसको हम करते हैं फिल कलर सेम जो है येलो कलर। यहां से अब आई ड्रॉपर से कलर पिक करते हैं और इसमें फिल कर देते हैं। ये फिल हो गया। अब इसको क्या करेंगे, यहां से हम F8 प्रेस करके सिंबल में कन्वर्ट करते हैं और ये सभी को सेलेक्ट करते हैं। और इस यहां से कंट्रोल एक्स करते हैं, इसके अंदर जाते हैं, यहां से एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं, पेस्ट कर देते हैं यहां पर। और इसको हम रखते हैं यहां पर रखते हैं। और इसको हम थोड़ा थोड़ा छोटा कर देंगे इस टाइप से। अब हमारा जो है ये तैयार हो गया है। अब हम इसको रखते हैं यहां पर। यहां पे रखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको मैं सही से थोड़ा सा करूंगा, ये जो है प्रॉपर नहीं आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं इस टाइप से। और इसके अंदर जाते हैं, इसके अंदर जाने के बाद जो है इस लेयर को हम सेलेक्ट करते हैं और इसको मैं रखता हूं यहां पर। स्टेप से अब क्या करेंगे, हम थोड़ा से इसको ऊपर की ओर कर देते हैं और इसका जो आउटलाइन है वो मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। वी प्रेस करते हैं और यहां से ये इसका आउटलाइन मैं रिमूव कर देता हूं। इसको मैं थोड़ा थोड़ा और अंदर की ओर लेता हूं, जो आउटलाइन है इसका वो प्रॉपर दिखता रहे इस टाइप से। आप देख सकते हैं हमने इसके जो पंख है इसको भी हमने तैयार कर लिया है। थोड़ा बहुत डिफरेंट है इसमें, तो अगर आप एडिटिव बनाना चाहते हैं तो एडिटिव भी क्रिएट कर सकते हैं। अब जो है हम एक यहाँ पे देखिए ये बना हुआ है, इसको हम ट्रेस करेंगे। यहां से मैं एक न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ। न्यू लेयर क्रिएट करने के बाद मैं यहां से और यहां पे मैं इसको मिला देता हूं। अब क्या करना है, फिर से पी प्रेस करते हैं और इसके शेडो को क्रिएट करेंगे यहां से। यहां पे अब इसमें हम कलर फिल करते हैं, सेम ये कलर रहेगा इस वाले में और ये डार्क कलर इस वाले में। और इसके हम आउटलाइन पे यहां से रिमूव कर देते हैं। इस टाइप से और इसको F8 करके सिंबल में कन्वर्ट कर देता हूं और इसको मैं रख देता हूं यहां पर।
तो आप देख सकते हैं इस टाइप से जो हमारा जो है चिड़िया ये क्रिएट हो गया है। हम दोस्तों आगे के वीडियो में आपको दिखाऊंगा इसके जो पैर हैं इसको हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर दोस्तों वीडियो ये अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर दोस्तों मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं कोई भी आगे वीडियो लेकर आऊँ तो उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए थैंक यू।